हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो दो तीन दिनों के बाद मैं आपको वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। डेली हो ही नहीं पाता है कि कंटिन्यू ब्लॉग को रख पाऊँ, और आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते जो कि मैं किसी भी तरह से आप लोगों के साथ डेली का ब्लॉग शेयर करूँ। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो एनर्जी भी नहीं मिलती है वैसे कि मैं डेली ला पाऊँ। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, और यहाँ पे जो है ना मैं नहा के आ गई हूँ, और बाबू जो है ना अभी मेरे सोया हुआ ही है। तो बाबू के पापा ने भी स्नान कर दिया और मैं भी नहा ली। तो यहाँ पे जाना नहा के पूजा पाठ हो गया है, तो बच गए हैं 10। तो बाबू को उठाते हैं, जगाते हैं उसको और फिर ले जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना फिर ऊपर आने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ता जो है ना नाश्ते में है पटल और आलू की सब्ज़ी, यानी कि परवल आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे देख लीजिए रोटी को जो है ना मैंने तेल में गर्म कर लिया है, क्योंकि ये रोटी जो है ना ये रात की रोटी थी तो उसको मैंने गर्म करके खा लिया। तो यहाँ पे जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ करेला का तरवा तो सब बनाते हैं, लेकिन सबका जो है ना थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं करेले की एक छोटी सी रेसिपी नहीं है ये तरवा है, लेकिन इसका जो है ना मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना जैसे कि नॉर्मल आप लोग बनाते हो, तो यहाँ पे जो है ना करेले को पहले ना आप लोग यहाँ पे करेले को बॉयल करके इसका बीज निकाल के इसको ना पहले थोड़े से ऑयल के साथ इसको ना फ्राई कर लीजिए। इससे जो है ना क्या होता है आपका जो करेला है ना आपका वो मसाले के साथ जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो वो आपका टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, ये एकदम स्ट्रिक रहेगा और अच्छा भी लगता है। नहीं तो एक तरह से ऐसे भी बनता है कि इसको बॉईल करके फिर इसमें मसाले फ्राई करके डायरेक्ट इसको आप तल लो, तो उस तरह से भी होता है। लेकिन उस तरह से क्या होता है ना कि कभी कभी टूट जाते हैं, फट जाते हैं थोड़ा सा, मतलब कि एक अलग सॉफ्टनेस बना रहता है, क्योंकि मतलब टूट जाते हैं और शेप भी उसका जो है ना ख़राब दिखता है। तो इस तरह से जो है ना आप अगर करेले को बॉईल करके तब उसका बीज निकालिए, फिर जाके ना इसको खा लिए, ऐसे थोड़ा सा फ्राई कीजिए, अपने वीडियो में देखा होगा। तो बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मसाले इसमें ऐड कीजिए, यानी कि सर्व कीजिए इसमें, और उसके बाद इसको फ्राई कीजिए, तो एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे और दिखने में शेप काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल भी ये टूटा फूटा नहीं लगता है, ना ही टूटता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। तो जिन लोगों ने ऐसे नहीं बनाया है तो एक बार ऐसे ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को टेस्ट भी, और इसका जो है ना देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना खाने में मैंने बनाया चावल दाल करेले का तरवा पकौड़ियाँ। तो फिर खा पी के आज काफ़ी लेट हो गया, 3:30 बज गए, और मैं अब तो आज खाने पीने में भी सबको हो गई काफ़ी लेट। तो चलिए इसको जो है ना अब मैं लेके आ गई हूँ अपने बेडरूम, अब इसको सुलाना है। 3:30 बज गए हैं, 4 बजने वाले हैं, तो इसको मैं अब किसी तरह कहानियाँ सुना के सुलाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं करती हूँ। बाय।